आज भी मुझे याद है जब वो दिन जब मुझे एक्टर बनना था। कार्तिक बहुत बातें करता है। ओके, मेरा पहला क्रश ऋतिक रोशन। कि मैं मेरी टंग मेरे नोज से टच कर सकती हूँ, मैंने इतने बार बोला है और किया है कि सब जानते हैं। एक बार करके दिखा सकते हैं प्लीज? बस नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म और आप देख रहे हैं हिंदी रश। मेरे साथ है बहुत खूबसूरत अभिनेत्री अनन्या। अनन्या, हमारे ना हिंदी रश पर एक बहुत अच्छा शो चलता है बातों ही बातों में। okay. तो इसमें क्या होता है कि हम चंद शब्द स्टार्ट की कहते हैं, जिसे हिंदी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कहते हैं। रिक्त जी स्थानों की पूर्ति। okay. और इंग्लिश में कहते हैं फील इन द ब्लैंक्स। ओके ओके, तो मैं शुरू करूँ आपसे जी। ओके, एक झूठ जो मैं हमेशा बोलती हूँ। एक झूठ जो मैं हमेशा, कि मैं घर से निकली हूँ। अच्छा, ओके। जब मैं 15 साल की थी, जब मैं मुझे एक्टर बनना था। आज भी मुझे याद है जब वो दिन जब मुझे एक्टर बनना था और अब मैं बन गई हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। ओके, लास्ट बार मुझे इसलिए गुस्सा आया क्योंकि मेरी दोस्त बहुत लेट आई थी मेरे घर और मैं पार्टी के लिए लेट हो रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। ओके, अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं एक्टर बनने की कोशिश करती। लास्ट बार मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसी क्योंकि मैंने पति पत्नी और वो थिएटर में देखी 5वीं बार और मुझे उतनी ही हंसी आई जब मैंने पहली बार देखी। 5वीं बार देखी? हाँ। आपने, आपको भी 5 बार देखनी चाहिए। अभी तक थिएटर्स में है पति पत्नी और वो, प्लीज़ वॉच। वैसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके, आजकल के लड़के बिल्कुल नहीं बदले। राइम सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं बदले। okay. और ना भी बदलेंगे। और ना बदलेंगे, ना बदलेंगे। क्यों, कुछ शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हैं। ये फिल्म द ब्लैंक्स थोड़ा अच्छा। आज मैंने खाने में बहुत कुछ खाया ऑलरेडी। और मैंने चिकन रोल खाया, मैंने अंडा खाया, मैंने ब्रेड खाया, मैंने कॉफ़ी पी। अच्छा। मैं फिर से कॉफ़ी पीने वाली हूँ। फिर से कॉफ़ी पीने वाली? ओके। अपने को-स्टार के बारे में एक बात बताऊँ तो कौन सा जो फेवरेट हो? कार्तिक बहुत बातें करता है। फेवरेट बात बतानी थी? नहीं, फेवरेट को-स्टार के बारे में बात बतानी। वो ये बहुत बातें करता है। बहुत बातें। अच्छा, ओके। मुझे कुकिंग करना नहीं आता। मुझे टोस्ट बनाना आता है। मैं टोस्ट दे सकती हूँ बटर के साथ। ओके, मेरा पहला क्रश ऋतिक रोशन। मेरा पहला ब्रेकअप स्कूल में था। कुछ शेयर करना चाहें? हम गुड। मुझे हार्ट ब्रेक की याद मत दिलाओ, मुझे दिलबरा सुनना पड़ेगा जो पति पत्नी और वो में है। अच्छा, ओके। मेरी फेवरेट ड्रिंक लाइक अल्कोहल। मैं अल्कोहल नहीं पीती क्योंकि मैं अंडर एज हूँ, पर अगर मैं लाइक नॉर्मल ड्रिंक, मुझे पानी बहुत पसंद है। आई थिंक पानी बहुत अंडर रेटेड है, लाइक इट्स द बेस्ट ड्रिंक एवर, वाटर। ओके, मेरी पहली सैलरी नहीं बता सकती, यू शुड नेवर टॉक अबाउट मनी। ओके, जब भी लेट पहुँचती हूँ तो ये कहती हूँ, मैं सिर्फ स्माइल करती हूँ और फिर मुझे माफ़ कर देते हैं। और इतनी प्यारी स्माइल पे कौन इनको माफ़ नहीं करेगा, बताइए। ओके, मेरे बारे में एक बात सभी को पता ही होनी चाहिए, कि मैं मेरी टंग मेरे नोज से टच कर सकती हूँ, मैंने इतने बार बोला है और किया है कि सब जानते हैं। एक बार करके दिखा सकते हैं प्लीज? बस। ओके, जाते-जाते लास्ट एक अफवाह जो मैं अपने बारे में फैलाना चाहती हूँ, कि मैं जोया अख्तर की अगली फिल्म में हूँ। ये अफवाह थोड़ी है, ये तो हो भी सकता है। हो भी सकता है, पर मैं बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप ये बताएं कि कितना एंजॉय किया आपने सेगमेंट? बहुत एंजॉय किया, फेवरेट सेगमेंट एवर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वैसे ही जैसे इनसे कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपके जवाब आप तक पहुंचा दें। बने रहे हिंदी रश के साथ। नमस्कार।